जानकारियों के लिए। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की चर्चाओं पर विराम लग चुका है। बजट प्री संवाद बैठक में वीसी के जरिए किरोड़ी लाल मीणा भी जुड़े। सीएमओ में बजट प्री संवाद बैठक में वीसी के जरिए किरोड़ी लाल मीणा जुड़े, जिससे कि उनके इस्तीफे वाले अटकलों पर लगभग विराम लग चुका है। सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री नहीं पहुंचे थे। किरोड़ी लाल मीणा के नहीं पहुंचने पर सवाल खड़े होने लग गए कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा इस बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन वीसी के जरिए वो मौजूद रहे। बताते चले कि बजट में कई मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद की गई। बैठक में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को शामिल होना था, लेकिन वो विधानसभा क्षेत्र में होने के चलते वीसी के जरिए जुड़े। सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके। रोशन, अटकलों पर विराम लग चुका है क्या, क्योंकि खुद पहुंच नहीं पाए भले किसी वजह से, लेकिन वीसी के जरिए मौजूद जरूर रहे? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरीके से जो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर जो अटकलें थी, अब इन तस्वीरों के बाद में उन अटकलों के ऊपर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। आज जो बैठक थी उसमें हालांकि शुरुआती दौर में किरोड़ी लाल मीणा नहीं जुड़े, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों के बाद में वो वीसी के जरिए अपने विधानसभा क्षेत्र जो सवाई माधोपुर है वो वहां पर मौजूद थे। ऐसे में इस मीटिंग से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े, और ये जो किसानों को लेकर जो प्री बजट जो संवाद था काफी अहम था, जिसमें जो प्रदेश भर के जो किसान है, जो सामाजिक संगठन है, वो इसमें जुड़े थे। तो ऐसे में किरोड़ी मीणा कृषि मंत्री, उन्होंने भी अपनी ओर से विचार यहाँ पर रखे इस बैठक के अंदर, और जो तमाम जो किसानों के उन्होंने विचार सुने। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो किरोड़ी मीणा को लेकर जो इस्तीफे की जो अटकलें थी मंत्री पद से, अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वीसी के जरिए किरोड़ी लाल मीणा बैठक में शामिल रहे, मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, किसानों के हित को लेकर चर्चा की गई। इससे पहले भी अगर सभी को याद हो तो किरोड़ी लाल मीणा ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं अपना काम करता रहूंगा, क्योंकि कई अधिकारी भ्रष्ट हैं, ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, और किसानों के हित के लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। ऐसे में ये एक उदाहरण भी रोशन कि किसानों के हित के लिए वो इस बैठक में मौजूद रहे। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से जो इस्तीफे की बात कही थी, उस नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव परिणामों में वो लगातार कह रहे थे, उसके बाद में उन्होंने जो अपनी बात है वो केंद्रीय नेतृत्व तक भी पहुंचाई है, इस तरीके की भी जानकारी आ रही है। और इस्तीफे की बात जो जब बयान दिया था उसके बाद में उन्होंने चुप्पी साधी। आज बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जो जब किसानों का खुद किरोड़ी मीणा कहते हैं कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के जो उसके लिए चुनाव जो लड़ते हैं, उनके जो विकास कार्य हो, चाहे उनकी मांगे हो, वो सरकार तक पहुंचे, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ऐसे में आज किरोड़ी मीणा ने अपनी कहा जा सकता है कि एक जो आम जनता के प्रति जिस जिम्मेदारी के साथ जो विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें मंत्री बनाकर विधानसभा में भेजा था, तो ऐसे में आज किरोड़ी मीणा इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए और अपनी ओर से भी जो बजट है उसको लेकर अपना जो पक्ष रखा मुख्यमंत्री के सामने। इस मीटिंग के अंदर जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी से लेकर जो और भी विभागों के जो मंत्री हैं वो मौजूद थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब जिस तरीके की जो अटकलें थी उनके ऊपर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बजट पूर्व संवाद में किरोड़ी लाल मीणा वीसी के जरिए शामिल हुए। रोशन, इससे पहले केंद्र सरकार भी लगातार इस तरीके के फैसले लेती हुई नजर आ रही है, जहां पर किसानों के हित का ख्याल रखा जा रहा है, फिर चाहे वो एमएसपी से जुड़ा बड़ा फैसला हो या फिर अलग अलग किस्त जारी करने का। ऐसे में ये माना जाए कि इस बैठक के बाद प्रदेश सरकार की ओर से भी बड़े फैसले लिए जाते हैं, किसानों के हित के लिए लिए जा सकते हैं, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए लिए जा सकते हैं, उसका मामला हो, या जो किसान सम्मान निधि है उसकी राशि में बढ़ोतरी की बात हो। कुल मिलाकर जो किरोड़ी मीणा है किसानों के हित से उनसे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं,